उधर नालागढ़ के एक दिवसीय दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे। यहां पर सीएम जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। प्रमुख रूप से कोविड की जो परिस्थितियां हैं उसको हम थोड़ा देखने के लिए आए हैं कि यहां हमारी तैयारियां की किस प्रकार से चल रही है व्यवस्थाएँ। और दूसरी बात यह है कि कोविड का हम हर जिले में जा कर के क्षेत्र स्तर पर मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं ये सबके लिए चिंता का विषय है, और इसलिए हमने तय किया है कि हम सभी डिस्ट्रिक्ट में जा कर के कोविड सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी रिव्यू करेंगे, और जो जहां हमको कोई कमी लगती है उन कमियों को भी पूरा करने के लिए ठीक करने के लिए। जैसे कि सर हमारा बॉर्डर और विशेष तौर से ये बॉर्डर एरिया है, पर बॉर्डर एरिया में बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे हरियाणा से पंजाब से यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने के लिए आते हैं, तो उसमें किस प्रकार से सारी चीज़ों को हम एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ बैठ कर के बातचीत करें और उसका कोई रास्ते इस तरह से निकालें ताकि जो है वो संक्रमण को हम फैलने से रोक सकें। सर वगैरह सारी चीज़ें जो तय की गई हैं उसके मुताबिक किस प्रकार से हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं, सारे पर चर्चा करें। आप एक चीज़ को सुनिश्चित करें, पर्टिकुलरली वो सुनिश्चित ये करें कि जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको भी इन्वॉल्व करिए, वो भी आप लोगों के साथ टच में रहें। जो नियर बाय के जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन के हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, वो इंश्योर करें कि पेशेंट को अगर फिजिकली चेक नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आशा वर्कर जाती हैं, वो कम से कम उनके सामने तो कम से कम उनके हेल्थ पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करें। दूसरे जो है मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी आग्रह है कि जितने भी हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका आप लोगों के लिए सहयोग हो सकता है, जिसमें हमारे PRIs का मैंने जिक्र कर लिया, नगर परिषद नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबसे भी एक आधी मीटिंग कर आप उनके साथ भी करिए और उनकी इन्वॉल्वमेंट एंश्योर करें।